वक्त बदला, हुकूमत बदली, पर ना बदले तो लाहौर किलारी अड्डा के हालात ना बदले। बारिश के बाद जमा होने वाला पानी मुसाफिरों और राहगीरों के लिए वबाल जान बना हुआ है। पानी रुका हुआ है, सारा परेशान है सब गाड़ियों वाले। ये बारिश पैंती इसे तरह ही डुबन वाला हाल हो जाता। चंगी तब्दीली है, लैके बह गई गड्डिया की पर्ची पैसे ये वो टैक्स जो सामने नहीं जा रहे। हालात देखो कि सवारियां केवल डुबन रही है, तो नंगे चलिया नहीं जा रहा है। लारी अड्डा इंचार्ज जो है ना, उनको नहीं पता कि इधर पानी खड़ा हुआ है, उसका कोई इस उनका कोई इंतजाम कर। पैसेंजर जो है वो सवारी जलील होती है, वो रास्ता उनको नहीं मिलता, वो पानी इधर खड़ा होता है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर और रोज बार रोज जमा होने वाला पानी बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। जी गटर साढ़े अपने मुंडे आप खुद खोल देने, ऐसा लो जो जाओ आ रहे हैं तो जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सवेरे भी इतना गंद पे कीड़े चलन डे। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पंजाब हुकूमत और इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। सालाना जमा होने वाला फंड कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। आवाम का कहना है कि आला हुकाम इसका फौरी तौर पर नोटिस लें और कार्रवाई अमल में लाएं। यहाँ बहुत हालात ख़राब हैं, जब भी बारिश होती है हर जगह पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ का निज़ाम बहुत ख़राब है, हुकूमत इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही और देखें हर जगह टूट फूट का शिकार है। साडा वेखो पानी की हाल है, कितों मुसाफिर किधर जान, कोई जगह नहीं बैठ नहीं कोई गाल नहीं। कैमरामैन वकास मलिक के साथ फहद हाशमी, एनपी न्यूज़।